कलाकार ने चंदन की लकड़ी से बनाई 1 करोड़ की मूर्ति। जयपुर में मिनिएचर आर्टिस्ट कमलेश जांगेर ने चंदन की लकड़ी पर नक्काशी कर 1 करोड़ रुपए की मूर्ति बनाई। दरअसल जेकेके के लोक रंग उत्सव के तहत शिल्पग्राम में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगा है। यहाँ राजस्थान संगीत, अन्य राज्यों के भी प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए हैं। इसमें 35 साल के कमलेश जांगेर अपनी नायक चंदन की लकड़ी से बनी कलाकृतियां लेकर आए हैं, जो मिनिएचर कार्य के लिए फेमस है। इस काम को करने वाली उनकी यह चौथी पीढ़ी है। अभी तक इनका परिवार 11 प्रेसिडेंट अवार्ड जीत चुका है। कमलेश घर के सबसे छोटे सदस्य हैं। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया। फैजाबाद कैंट अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिन पहले से यह प्रक्रिया आरंभ की थी। अब इसका गजट जारी कर इसे सार्वजनिक किया गया। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2022 को राजपत्र जारी किया गया। बिजनौर में बैंक मैनेजर के घर पर फर्जी सीबीआई ने की छापेमारी की कोशिश। बिजनौर में बैंक मैनेजर के घर पर 4 लोग फर्जी सीबीआई बनकर हुए थे दाखिल। बैंक मैनेजर को हुआ शक, 2 दबोचे लोगों को दबोचा पर 2 हुए फरार। पुलिस दोनों आरोपियों से कर रही पूछताछ। थाना धामपुर के सिटी इलाके का मामला। गोवा जिला पंचायत चुनाव की जीत पर जेपी नड्डा ने प्रमोद सावंत को दी बधाई। गोवा जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, ये पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की जीत है। जेपी नड्डा ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को दी जीत की बधाई। सास बहू के घरेलू झगड़े में सास को गंवानी पड़ी सरकारी नौकरी। बिहार के जिला शेखोपुर सराय प्रखंड के मध्य विद्यालय किशनपुर में शिक्षिका उर्मिला कुमारी की बहू ने घरेलू झगड़े में डीएम को आवेदन कर अपनी सास उर्मिला कुमारी पर फर्जी तरीके से शिक्षक की नौकरी करने का आरोप लगाया था। डीएम की जांच में बहू की शिकायत सही निकली। इस तरह से घर के अंदर होने वाला विवाद के कारण सास को अपनी सरकारी नौकरी भी गंवानी पड़ी। गाजियाबाद में लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म। गाजियाबाद के नंदग्राम में एक महिला को 5 लोगों ने कार में अगवा कर 2 दिन तक किया सामूहिक दुष्कर्म। आरोपियों ने महिलाओं के गुप्तांग में लोहे की रॉड भी डाली। आरोपियों ने महिला को अधमरी अवस्था में आश्रम रोड के पास बोरी में भरकर फेंक कर हुए फरार। यूपी 112 से थाना पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर महिला को दिल्ली के GTV अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने SSP गाजियाबाद को नोटिस जारी किया है। हाइब्रिड आतंकियों ने अपने साथियों को उतारा मौत के घाट। जम्मू कश्मीर में एक हाइब्रिड आतंकी को उसके ही साथियों ने मौत के घाट उतारा। मारा गया आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था और उसकी निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान एनकाउंटर हुआ था, जिसमें आतंकियों ने इमरान बशीर गनी नाम के अपने ही साथी को गोलियों से भून दिया ताकि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने उनका कोई राज न खोल पाए। इस एनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारी मात्रा में गोला बारूद, अन्य सामग्रियां जब्त की हैं, जो आतंकियों ने अगले हमलों के लिए छिपा कर रखे थे। मेरठ नाव हादसे में 12 लोगों को किया गया रेस्क्यू, अभी भी कई लोग हैं लापता। मेरठ नाव हादसे में 12 लोगों को बचाया गया। सरकारी शिक्षक महेश समेत कई लोग अब भी लापता हैं। नाव हादसे में मोनू नाम के युवक की मौत हुई। मेरठ के हस्तनापुर में गंगा नदी में हुआ हादसा। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए स्थायी समिति की बैठक हुई सम्पन्न। ADG सुरक्षा VK सिंह ने बताया कि अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा के लिए SSF विशिष्ट बल तैयार है। धार्मिक स्थल पर SSF की होगी तैनाती। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारी भी हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट BJP ने की जारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। BJP की पहली लिस्ट में 62 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। BJP ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सेराज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है।
कांग्रेस अध्यक्ष पद की वोटिंग प्रक्रिया पर शशि थरूर की टीम ने उठाया सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग की मतगणना भी शुरू हो गई है, परंतु उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार शशि थरूर की टीम ने वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसको लेकर टीम ने कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से शिकायत की है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर के एलजी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के घाटी में टारगेटेड किलिंग कभी बंद नहीं होगी वाले बयान पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एलजी मनोज सिन्हा ने बगैर नाम लिए फारूक अब्दुल्ला के सीएम रहते हुए बर्बर हत्याओं का जिक्र करते हुए उन पर हमला बोला। मनोज सिन्हा ने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद हिंसा बढ़ी है, तो उन्हें अपने समय के आंकड़ों को देखना चाहिए। सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुराने आंकड़ों की बात करें तो यहां दशकों तक शासन करने वाले लोगों के मुंह पर पोतने के लिए कालिक भी कम पड़ जाएगी। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ के बाद पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने के बाद पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि पिछले दशकों में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। 20 साल पहले 100 में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, यानी पांचवा हिस्सा शिक्षा से बाहर रह जाता था। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनमें से बहुत सारे 8वीं तक पहुंचते ही स्कूल छोड़ देते थे। बेटियों की स्थिति तो और भी खराब थी। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने छोड़ा सपा का हाथ। पश्चिमी यूपी के कद्दावर रहे मुस्लिम नेता इमरान मसूद 19 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल। इस बाबत उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात के बाद सहारनपुर का यह दिग्गज नेता पार्टी का दामन थाम सकता है। रेलवे को मिला धमकी भरा पत्र, जीआरपी टीम अलर्ट पर। धमकी भरा पत्र मिलने से जीआरपी टीम अलर्ट। हरिद्वार में कुछ दिन पहले जीआरपी को एक धमकी भरा पत्र मिला। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। जीआरपी यात्रियों के सामान की कर रही जांच पड़ताल, नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का मामला। लिज ट्रस ने मानी गलती पर नहीं छोड़ेंगे प्रधानमंत्री पद। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो निर्णय लिए उससे वहां की जनता नाराज है और अभी चुनाव हुए तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन की हवा के बीच प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपनी गलती मानी, लेकिन प्रधानमंत्री पद को नहीं छोड़ेंगी। उनके इस निर्णय से भारतीय मूल के ऋषि सुनक की उम्मीदों को लगा झटका। दरअसल एक सर्वेक्षण के आंकड़े सामने आए थे जिसमें लिज ट्रस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई और ऋषि सुनक को पीएम चुनने की बात कही गई है। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से चीन ने फिर बचाया लश्कर के आतंकियों को। चीन का पाकिस्तानी आतंकियों के प्रति प्यार समय समय पर दिखता रहता है। चीन ने इसी प्यार के खातिर लश्कर के आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने वाले भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगा दी। लश्कर ए तैयबा के आतंकी शाहिद महमूद को चीन ने चौथी बार बचाया, नहीं घोषित हो सका ग्लोबल टेररिस्ट। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 4 विद्रोहियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 4 विद्रोहियों को उनके ठिकाने पर छापेमारी के दौरान मार गिराया। विभाग ने कहा कि मारे गए लोग गैरकानूनी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सदस्य थे, जिसे 2019 में अमेरिका द्वारा आतंकवादी समूह नामित किया गया था। विद्रोही समूह की ओर से इस संबंध में अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। पाकिस्तानी मदरसों में छात्राओं को दी जा रही है विज्ञान से इतर शिक्षा। पाकिस्तानी मदरसे में विज्ञान के उलट पढ़ाई कराई जा रही है। यहाँ मौलाना छात्रों को पढ़ा रहे हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज इसके चारों ओर घूम रहा है। यही नहीं, मौलाना छात्रों को पढ़ा रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी से सूरज और चांद घूम रहे हैं। पाकिस्तान के मदरसे में ऐसी शिक्षा देने के बाद देश के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना शुरू हो गया है। सात साल पुराने ट्वीट पर मिली 16 साल की सजा। अमेरिका के एक नागरिक को 7 साल पहले अमेरिका में रहते हुए सऊदी अरब के लिए कुछ विवादास्पद ट्वीट करने के मामले में सऊदी अरब में 16 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
अमेरिकी नागरिक के बेटे ने यह जानकारी दी है। 72 साल के अमेरिकी नागरिक साद इब्राहिम अलमादी के बेटे ने इस घटना की जानकारी दी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।